हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं KTM RC 390 के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यू इमेजेस के साथ लीक हुई हैं, कुछ फ़ोटोज़ जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ली गई हैं, और ये साथ ही साथ बताती हैं कि KTM बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। और इस इमेजेस को आप लोग वो देख करके, ये नहीं ये वाली, आप लोगों को लग सकता है कि हाँ ये बाइक बहुत से लोगों को पसंद भी आ सकती है, बहुत से लोगों को नहीं, क्योंकि जो इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी आपकी अभी वाली RC से। मतलब 200 की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, सिर्फ 390 की बात कर रहा हूँ। 390 में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, 200 की बाद में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो चेंजेस आप लोगों को मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप की मुझे बाइक लग रही है, क्योंकि जो इसके डिस्क ब्रेक हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि ये जो इमेजेस आप लोग देख रहे हो, जो पहले इमेजेस क्लिक की गई थी उसमें और इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस कहीं ना कहीं देखने को आप लोगों को लग सकता है। बट खैर, जब फाइनली सामने जब ये बाइक आ जाएगी तभी पता चल पाएगा कि हाँ ये देखने में कैसी है या कैसी नहीं। बट मुझे लगता है कि KTM अच्छा ही काम कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा KTM की न्यू जनरेशन बाइक के बारे में। यहाँ आप लोगों को जो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको अभी तक इसके अंदर जो डिजिटल कंसोल मिलता था, बट उससे मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा था। बट अब आप लोगों को TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लाइक Duke 390 हो गया या Adventure 390, जो कि और भी बाइक का लुक को शानदार करने वाला है। और यहाँ पर आपको LED लाइट्स का भी सेटअप देखने को मिलेगा। अभी तक आपको प्रोजेक्टर हेलोजन लाइट्स मिलती थी, बट अब आप लोगों को हो सकता है कि प्रोजेक्टर के साथ आपको LED भी देखने को मिले। बाइक का लुक यार आप लोग मुझे ज़रूर बताना, 10 में से आप कितना नंबर देने चाहोगे इसको, या फिर आपको अभी ही वाली RC ज़्यादा बेहतरीन लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो ये लुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लुक में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बाइक के लॉन्च डेट की, तो लॉन्च डेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2020 के एंड या फिर 2021 के स्टार्टिंग में। मतलब 21 तो एकदम डेफिनेटली है कि 2021 के अंदर आप लोगों को बाइक देखने को मिलेगी। कुछ चीज़ें और भी एड ऑन होने वाली है इस बाइक में, लाइक अभी आपको 390 में क्या कहते हैं क्विक शिफ्टर मिलता है, बट इसमें नहीं मिलता, RC में नहीं मिलता। बट हो सकता है 95% चांसेस ये हैं कि क्विक शिफ्टर के साथ ये आएगी, जो कि बाइक की राइडिंग को और भी ज़्यादा आप लोगों को मज़ा, मतलब बांध देगा, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। बाइक के इंजन में भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, लाइक आप लोगों को काफ़ी, जैसे आप लोग बोलते थे कि बहुत ही ज़्यादा हीट है, बट उस चीज़ को भी ये चीज़ दूर करने वाली है KTM की, कम हीट आप लोगों को फील हो। 373 cc का इंजन, पावर वही 43 bhp का और 35 Nm का टॉर्क, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली बाइक है, और ये शायद आगे भी रहेगी आप लोगों को। हो सकता है इमेजेस देख के आप लोगों को थोड़ा ऐसा लगे कि अबे यार क्या बना दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन रियल लाइफ ये ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि इमेजेस में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगा सकते। बट अगर आप लोगों में इंटरेस्टेड हो इस बाइक को लेने के लिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूरी रहेगा इसकी, आप लोगों को क्या लगता है कि ये बाइक कैसी होने वाली है कैसी नहीं। अब इतनी सारी चीज़ें आप बढ़ने वाली हैं, तो डेफिनेटली प्राइस भी कहीं कम नहीं रहने वाला, मतलब प्राइस भी आप लोगों को काफ़ी इंक्रीज़ होकर देखने को मिल सकता है। अभी अराउंड अगर मैं बात करूं तो 2,95,000 रुपीज़ में आपको ऑन रोड RC पड़ती है, जो अभी आपकी BS6 वाली आती है, बट ये आएगी तो अराउंड 20-25,000 रुपये तो नॉर्मली बढ़ेंगे। मैं होप करूंगा कि कम ही बढ़े, ताकि RC फैंस जितने भी हैं वो बाइक को ले सकें। बट देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या करती है कंपनी, क्या नहीं करती है। बाकी यही था आज का वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों को ये बाइक कैसी लग रही है कैसी नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप में से कितने लोग इस बाइक का इंतज़ार कर रहे हो, और क्या इस लुक को आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, आप लोगों को मुझे पता नहीं, बट आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।